हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि चेक। तो आज हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स की एक नई सीरीज जिसका नाम है खलीफा। इस सीरीज में आपको तकरीबन 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एक एपिसोड के लिए ऑलमोस्ट 46 से लेकर 53 मिनट्स के बीच में कहानी बता दू। कहानी शुरू होती परवीन से, जो की रहती स्वीडन में, लेकिन वो जाती आईएसएस की तरफ। आपको बता दू कि काफी कंट्री के अलग अलग लोग आईएसएस की तरफ जाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँ ब्रेन वॉश क्यों होता है, क्योंकि उनको सही तरीके से इस्लाम की नॉलेज नहीं होती, इस वजह से उनका ब्रेन वॉश होता है। हालांकि इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म, एक ऐसा रिलीजन है जो इंसान को शांति से रहना सिखाता है, और इस्लाम में कहीं से भी इस तरीके के जिहाद या किसी को मारना या किसी बेगुनाह को मारना नहीं लिखा है। खैर, हम लोग सीरीज की बात करें तो सीरीज की कहानी शुरू होती परवीन से, जैसे कि मैंने कहा वो स्वीडन से आईएसएस की तरफ जाती है। वहां पर उसकी शादी होती है हुसैन से। शादी होने के बाद उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है लतीफा। लेकिन अब वहां पर रहने के बाद, आईएसएस में रहने के बाद, समझ जाती है कि यहाँ पर रहना कोई उसका अच्छा डिसीजन नहीं था। तो अब वो सोचती है किसी भी तरीके से वो स्वीडन वापस चले जाए। अब स्वीडन जाने के लिए बोलते ना, जुर्म की दुनिया में आना तो आसान होता है, लेकिन वहां से जाना बहुत मुश्किल होता है। खैर, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आईएसएस में जो जो लेडीज होती है उनके पास मोबाइल फोन होना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा गुनाह है कि आप इस सीरीज में देखोगे उसकी सजा क्या है, वो तो आप इस सीरीज में देख लोगे। खैर, उसके पास किसी भी तरीके से मोबाइल फोन आ जाता है। मोबाइल फोन से क्या करती है, अपने स्वीडन की कॉलेज टीचर को कॉल करती है, उसको बोलती है कि मुझे प्लीज स्वीडन पुलिस से कॉल करा दो क्योंकि मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से बाहर निकलना है। तो वो कॉलेज टीचर क्या करती है, वहां पे एक स्वीडन पुलिस ऑफिसर, उसकी जो फ्रेंड होती है इसका नाम होता है एजेंट फातिमा से बात कराती परवीन की। उसके बाद परवीन उसको बताती कि मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकालो क्योंकि ये लोग एक टेरर अटैक प्लान कर रहे हैं स्वीडन पे। तो जो एजेंट फातिमा होती है वो बोलती कि मैं तुम्हें वहां से निकालूंगी, लेकिन मेरा फायदा क्या होगा, एक काम करो तुम मुझे पहले सारी इन्फॉर्मेशन दो कि वो लोग कहाँ पर अटैक करने वाले, किस पर अटैक करने वाले, कब अटैक करने वाला, ये सब इन्फॉर्मेशन दे दोगी तो मैं तुम्हें वहां से निकाल दूंगी। खैर, उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है खलीफा। उसके अलावा इस सीरीज में आपको एक सब प्लॉट भी देखने को मिलेगा। वो सब प्लॉट ये है कि सुलेखा नाम की एक लड़की, उसका किस तरह से ब्रेन वॉश होता है, उसके बाद वो किस तरह से अपनी दोस्त और अपनी छोटी बहन का ब्रेन वॉश करती है, सब कुछ आप सीरीज में बहुत अच्छी तरह से बताया और बहुत ही डिटेल में और वेल रिसर्च करके शो को बनाया। तो डेफिनेटली शो को जरूर देखना। अब आपको बताता कि शो की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, तो इस शो की सबसे अच्छी बात लगी वो था यहाँ का परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप परवीन एक कैरेक्टर से आप स्टार्ट से लेकर एंड तक आप कनेक्ट हो जाओगे और इंसानियत तौर पर आपको इमोशनल भी फील होगा परवीन के लिए। आप कहीं ना कहीं आप पूरी सीरीज में आप परवीन को ही देखोगे। खैर, उसके अलावा अपन मैं फातिमा, एजेंट फातिमा की बात करूंगा तो उसने भी काम बहुत अच्छा किया। और सुलेखा की बात करूं तो सुलेखा जैसी जो तमाम लड़का हो या लड़की हो, जो उन लोगों का जो ब्रेन वॉश होता है, अब वो कैसे होता है, कैसे लोग उनका ब्रेन वॉश करते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से बताया। तो कुल मिला के सीरीज अगर आप अपने घर पे बैठे हो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही, तो आप इजीली इस सीरीज को देख के एंजॉय कर सकते हो। सिर्फ एक ही एडल्ट सीन है जो उसको स्किप करके आप पूरी सीरीज को देख लोगे। ये सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो क्योंकि बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, स्पेशली मैं बोलता हूँ उन लोगों के लिए जो इजीली ब्रेन वॉश हो जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सीरीज आपको डेफिनेटली इस हफ्ते देखनी चाहिए। अगर तो बस इस वीडियो में इतना है। आपको वीडियो जरा भी पसंद आया, मैं इतना ज्यादा फास्ट, इतना ज्यादा शॉर्ट में ये वीडियो क्यों बना रहा, क्योंकि आपको पता है कि अभी फैमिली के साथ है और ज्यादा टाइम हम फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद मुझे एडिट भी करना, बहुत सी चीजें होती है। मैं इतना, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो मेरा ओजार्क सीजन 3, उसके बाद एक एनिमे सीरीज जिसका नाम है डेड नोट, उस पर बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।